हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा दो की, जिसका नाम है व्याकरण उपवन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पुस्तक खोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पाठ 12 पर्यायवाची। पृष्ठ संख्या 52 का हम यहाँ तक कर चुके हैं। चलिए अब करते हैं सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। क, हवा शब्द का समान अर्थ दे वाला शब्द क्या है? वार, वायु, धरा या बेनु? यस, वायु। वायु पर टिक लगाएंगे। रात को हम और किस नाम से जानते हैं? रजनी, नीरज, रत्ना या रज? यस, रजनी। तो रजनी पे टिक लगाएंगे। राजा का पर्यायवाची है राज्य, राजकाज, नरेश या राजन? यस, नरेश। नरेश पे टिक लगाएंगे। भूमि का दूसरा नाम है धरती, गांव, खेती या भरता? यस, धरती पर टिक लगाएंगे। हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम करते हैं पृष्ठ संख्या 53 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये स्टूडेंट्स आपको कॉपी में करने हैं, याद रखिएगा। ये पुस्तक कार्य और कॉपी कार्य भी है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। गाय का गौ, धेनु, माँ, माता, जननी, नदी, सरिता, तटिनी, जल, नीर, वारी, पुत्र, बेटा, सुता, सुत, नाग, सर्प, आकाश, नभ, आसमान, फूल, पुष्प, सुमन। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए समान अर्थ वाले शब्दों के उचित जोड़े बनाने हैं। आग, अग्नि से मिलाइए, विद्यालय, पाठशाला, दुनिया, संसार, बाघ, उपवन, ईश्वर, भगवान, आँख, नयन। और ये आपको पुस्तक में करना है, ये आपका गृह कार्य है स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।